बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ भी हो खुश हो, हैप्पी हो। होम स्वीट कुकिंग विदाशी में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन राइस विद वेजिटेबल्स, बहुत ही मज़ेदार। और इसको सर्व करने का मैं इतना ज़बरदस्त आपको तरीका बताऊँगी कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हाफ प्याली ऑयल, घी डाल लें आप। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये स्मॉल साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है, उसको कट करके इसके अंदर डाल दिया है। तो जैसे ही हल्का सा प्याज फ्राई हुआ, इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक सिनेमन स्टिक, इसके साथ बड़ी इलायची और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा। इनको भी हल्का सा हमने फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी राइस क्यूब, तो अगर आपके पास अगर ये है तो आप डाल लीजिएगा, वरना रहने दें। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी, क्योंकि मैं हाफ़ के जी चावल ले रही हूँ तो इसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर डाला है। तो जैसे ही पानी को बॉयल आया, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं चावल, जिनको पहले ही मैंने भिगो के अच्छी तरह धो के रख दिया था। तो ये चावलों को डालने के बाद एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून के बराबर। तो इसको डालने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि चावल अच्छी तरह पक जाएँ। चावल हमारे इतने हो चुके हैं कि अब हम इसे दम लगा सकें। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है फूड कलर, तो इसको मैं ढाँप दूंगी ताकि ये दम पे आ जाए। चावलों को दम पे रखने के बाद यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन लिया। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून पिसा धनिया, इसके अंदर डाल दूंगी 1 टीस्पून कुटी लाल, नमक हसबे ज़रूरत, इसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। चिकन को मसाले लगाने के बाद हम दोबारा कढ़ाई रखेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के, ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए इसके अंदर मैं डाल दूंगी छोटे साइज़ का एक मैंने प्याज कट करके वो डाल दिया। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी हल्का सा सोते करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन जो हमने मसाले लगा के रखा हुआ था। अब हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चिकन को फ्राई करते हुए मैंने फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई कर ली, हाई फ्लेम पर मैंने इसे जो है वो अच्छी तरह कुक कर लिया। तो जब चिकन का कलर चेंज हो गया, इसके अंदर मैं डाल दूंगी बॉईल, मैंने लोबिया लिया है, इसके बाद मैंने 1/2 प्याली जो है वो कैबेज की ली है और थोड़ी सी गाजर है और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है, इनको भी चिकन वाले मसाले में डाल के इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैंने डाल दी है गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून और सोया सॉस 1 टेबल स्पून डाल के इसको दोबारा से मिक्स किया। इसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दिया है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जब इसका कवर उठाया तो ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, इसको फ्लेम हाई करके मैंने इसका जो पानी है उसको खुश कर लिया। तो ये देखें, यहाँ हमारे राइस भी हैं वो तैयार हो चुके हैं और दूसरी तरफ हमने जो सालन तैयार किया था वो भी तैयार हो चुका है। तो इनको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ लिया है मोल्ड, तो इसके अंदर मैं रख दूँगी एक कागज़, कोई भी आप अगर आपके पास पेपर है, बटर पेपर है, बेकिंग पेपर है वो रख लें, कुछ भी इसके अंदर रख के इसके ऊपर मैंने जो ये चिकन वाला सालन तैयार किया था वो इसके अंदर अच्छी तरह फैला दूँगी ताकि ये जो है फिलिंग वो अच्छी तरह इसके अंदर फैल जाए। तो सारे जो चिकन वाला सालन है इसके ऊपर रखने के बाद मैं इसके अंदर रख दूँगी इसके ऊपर चावल, चावल भी इसके ऊपर अच्छी तरह हमने फैला लेने हैं। चावल जब इसके ऊपर फुल सेट हो जाएं, ये देखिए फुल ऊपर तक जो मोल्ड है वो भर जाए, इसके बाद एक बड़ी सी प्लेट लें, प्लेट को मोल्ड के ऊपर रखें और इसको उठाएं, आराम से उठाने के बाद इसको पलट दें, एहतियात से करें ताकि चावल वगैरह हमारे इसके अंदर से बिखरे ना। तो जैसे ही ये पलट जाए तो इसके बाद इसका जो क्लिप है उसको खोल दें। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी जो है बोल ले लें, उसके साथ इसको कर सकते हैं। इसका ऊपर से इसका कवर उठाएँगे तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त किस्म की डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह पेश करने से जो है वो मेहमान भी खुश होते हैं और आपको भी अच्छा लगता है कि आपने इतनी मेहनत की है। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर जो टमाटर रख दूंगी ताकि देखने में अच्छा लगे, इसके ऊपर खीरा रख दूंगी, जो भी आपके पास वेजिटेबल हो वो रख दें। अगर आपके पास ये नहीं, आप ये करना नहीं चाहते तो इस तरह भी कर सकते, एक प्लेट में चावल रख के उसकी साइड पर जो चिकन वाला सालन है वो रख दें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।